दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सिराज की रफ्तार और वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी गेंदबाजी के जल में आज साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों को ऐसा फंसा गया कि मुंह के बल गिरी साउथ अफ्रीकी टीम और 30 पारी का से 3 विकेट कर दिए हमारे धुरंधर गेंदबाजों ने। आपको उनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार में कौन एक बेहतर गेंदबाज है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों दिल्ली के मैदान में 11 अक्टूबर यानी कि आज थोड़ी देरी से भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में तीसरा वनडे मैच शुरू हो चुका है और शुरुआत में ही हमारे गेंदबाजों ने धावा बोल दिया है इस सीरीज को जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। दोस्तों साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ शिखर धवन जैसे मैदान में उतरे तो टॉस उनके पक्ष में था, मैदान की आउटफील्ड थोड़ी वेट थी, उन्होंने गेंदबाजी चुनी और ये फैसला इतना ज्यादा शातिर था कि हमारे गेंदबाजों ने इसे तराशते हुए आज पूरी साउथ अफ्रीकी टीम को खदेड़ कर रख दिया। इससे पहले कि साउथ अफ्रीकी टीम मैदान में कुछ हरकत भी कर पाती, हमारे गेंदबाजों ने उनको अपाहिज बना दिया था। दोस्तों जैसे ही मुकाबले की शुरुआत हुई, प्रेशर तो पहली गेंद से ही नजर आ रहा था। पावर प्ले में साउथ अफ्रीकी टीम कुछ खास कर ही नहीं पा रही थी। दीपक चहर की जगह दोस्तों टीम में लाए गए वॉशिंगटन सुंदर ने फिर अपनी गेंदबाजी के जाल में कैसे बल्लेबाज को फंसा लिया जो भारतीय टीम के लिए जीत में सबसे बड़ा फंदा बन सकता था। क्विंटन डिकॉक का नाम तो दोस्तों हमने सुना ही है, ये खिलाड़ी मैदान में जम जाए तो बड़ी पारियां खेल कर जाता है। अभी तक इन्होंने 10 गेंदों में 6 रन बनाए थे, प्रेशर इनके सर पर मंडरा रहा था। और दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद को वॉशिंगटन सुंदर ने धीमी गति की गेंद में तब्दील कर दिया। अब क्विंटन डिकॉक जो स्ट्राइक पर तैनात थे वो पूरी तरीके से विचलित हो गए। शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ शॉट को तो खेल बैठे, लेकिन वहां पर तैनात थे लंबे कद के फील्डर आवेश खान। दोस्तों आवेश खान ने इस कैच को पकड़ा और बड़ी आसानी से डिकॉक को कैच आउट कर दिया था। ये भारत के लिए पहला विकेट था, लेकिन असली तूफान मैदान की शुरुआत में आ जाया मोहम्मद सिराज का। और दोस्तों सिराज ने आज ऐसी धूफानी गेंदबाजी कराई के देखकर हर कोई उन्हें सलाम करने लगा था। जाने मन मलान दोस्तों भारत में अब एक फेमस नाम बन चुके हैं। 27 गेंदे खेलकर 3 चौके जड़कर ये भी 15 रन बना चुके थे, प्रेशर इन पर भी था। लेकिन सिराज एक्सप्रेस का जलवा पारी के 8वें ओवर में तब दिखा जब उन्होंने एक शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया इनके खिलाफ। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर अब मलान ने दोस्तों डीप स्क्वायर लेग की तरफ से एक शॉट खेलना चाहा, लेकिन इस बार वहां पर भी तैनात थे आवेश खान और उन्होंने एक और कैच पकड़ा और सिराज को उनका पहला विकेट मिला। लेकिन दोस्तों सिराज ने आज शायद कसम खाई थी साउथ अफ्रीकी टीम के ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने की, तभी तो अगली सफलता दिलाने में उन्होंने ज्यादा वक्त जाया ही नहीं किया। दोस्तों आर हेनरिक्स जो कि पिछले मुकाबले में तबाही मचाते नजर आए थे भारतीय टीम के खिलाफ, वो इस बार पानी भरते नजर आए सिराज के सामने। अपने अगले ही ओवर यानी के पारी के 10वें ओवर में सिराज ने इनका शिकार कर लिया। दोस्तों सिराज ने धीमी गति की गेंद का यहां पर इस्तेमाल किया और जो फील्डर खड़े थे शॉर्ट फाइन लेग पर यानी के सब्स्टिट्यूट रवि बिश्नोई, उनके हाथों में इनका आसान सा कैच चला गया और 5 रन के दायरे के अंदर ही ये आउट हो गए। दोस्तों ये भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी सफलताएं थी, क्योंकि इतनी अच्छी शुरुआत इस बात का प्रमाण थी कि जीत की ट्रॉफी वनडे सीरीज की भी भारत देश में ही आएगी। सिराज ने कई रिकॉर्ड भी बना दिए और वाकई में इस सीरीज में उनकी गेंदबाजी उम्दा आला दर्जे की रही है। परंतु दोस्तों आप फिलहाल सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, वो सिराज, बुमराह व अर्शदीप में से किसे बेहतर गेंदबाज मानते हैं, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।